आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। महुआ के नेगवा गांव में बच्चों के तालाब में डूबने का मामला सामने आया है, जहां नहाने गए दो मासूम बच्चे हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई तो वहीं दूसरे को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों मासूम बच्चे नहाने के लिए तालाब पर गए थे। पानी की गहराई से अनजान दोनों नहाने के लिए तालाब में कूद गए। इस घटना में 8 साल के सुमित की पानी में डूबकर मौत हो गई और दूसरे बच्चे प्रिंस को ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बाहर निकाल लिया गया। वहीं उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शहर कोतवाली के कल्याण सागर के समीप रहने वाले हरी रेकवार और विजय रेकवार का बेटा प्रिंस और सुमित शादी समारोह में शामिल होने के लिए नए नेगवा गांव गए थे। इसी दौरान गांव में बने तालाब में वे नहाने के लिए चले गए, तभी नहाने के लिए तालाब में कूदे बच्चे हादसे का शिकार हो गए। वहीं इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर शादी थी, शादी में गए सभी लोग, तो वहां लड़की बच्चे फिर नहाने चले गए, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बच्चे हैं चले गए, तो ऐसी घटना घट गई। क्या उनके कितने लोग डूब गए थे, कितने मृत हो गए? एक मृत हो गया और एक बच्चा झांसी में भर्ती हो गया, तो सही है, और एक बच गया, तीन थे लड़के। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।